सो गाइस आज जो है जेई एडवांस 2024 का रिजल्ट आ चुका है और अभी हमारे साथ है जेई एडवांस के टॉपर वेद लाहोटी। तो अभी हम इनसे जानते हैं वेद कैसा फील हो रहा है आपको टॉप कर गए। बहुत अच्छा लग रहा है। आपके कितने क्या मार्क्स आए हैं? मेरे 355 है आउट ऑफ 360। तो कैसा फील हो रहा है आपको? आपके पेरेंट्स का कैसा क्या रिएक्शन था जब उनको आपके मार्क्स वगैरह पता चले? नहीं मतलब पेरेंट्स भी बहुत खुश है और टीचर्स भी बहुत खुश है कि मेरे इतना अच्छा रिजल्ट आया। तो आप अपना जो सक्सेस आपने अचीव किया है उसका क्रेडिट आप किसको देना चाहेंगे? उसका क्रेडिट मैं अपने पेरेंट्स को और एलएन के टीचर्स को देना चाहूँगा क्योंकि उन्होंने हर सिचुएशन में मेरी हेल्प की, मुझे सपोर्ट किया और सब कुछ हाँ बहुत जी। अच्छे से किया। तो अच्छा वेद, आपने जैसे देखा होगा कि मदर को हर कोई कंट्रीब्यूशन देता है, हर कोई वो बताता है कि मदर का हर बार कंट्रीब्यूशन दिखता है, तो आप अपने जरा फादर के बारे में एक बताइए कि फादर का कितना क्या कंट्रीब्यूशन नहीं, रहता है फादर का इसमें। भी काफ़ी कंट्रीब्यूशन था। वो भी बीच बीच में मुझे फ़ोन करके पूछते थे हाँ जी। कि सब कुछ अच्छा चल रहा है या नहीं, मतलब उनका भी काफ़ी कंट्रीब्यूशन रहा। और हाँ जी। हाँ तो आपका डेली स्केड्यूल वगैरह टाइम टेबल थोड़ा कैसे क्या मैनेज करते थे आप वो बताइए। मतलब मैं डेली सुबह उठकर डिसाइड कर लेता था कि मुझे आज क्या कितना सिलेबस, कितना सिलेबस का कितना पोर्शन कवर करना है और मैं उसको कंप्लीट करके ही सोता था। मतलब मैं कोचिंग चला जाता था, कोचिंग से आकर जो भी पढ़ाया है मैं उसे रिवाइज करता था, उसके शॉर्ट नोट्स बनाता था, उसका पूरा रिवीजन करता था और उसके बाद बीच बीच में थोड़े ब्रेक्स लेता था जिसमें मैं अपनी फैमिली से, फ्रेंड से बात करता था और फिर 3-4 घंटे मेरी सेल्फ स्टडी होती थी। ये मेरा डेली तो अच्छा, जैसे आप एस्पायरेंट रहे हैं तो जैसे कई बार ऐसा होता है कि जब टेस्ट वगैरह में मार्क्स वगैरह कम आते हैं या फिर कभी भी बच्चे जो हैं स्ट्रेस स्ट्रेस में आ जाते हैं या डिप्रेस हो जाते हैं, तो उससे ओवरकम करने के लिए आप क्या बोलेंगे, कैसे क्या मैनेज करना चाहिए? उसके लिए मैं यही कहूँगा कि आप अपनी फैमिली के कांटेक्ट में रहें, अगर वो सपोर्ट करते हैं तो बहुत अच्छा रहता है। मतलब सारे स्ट्रेस से आप रिलीव हो जाते हो। इसके अलावा आप अपने फ्रेंड से बात कर सकते हो, उसे आप अपनी आपकी जो भी हॉबीज़ है, आप जो भी पसंद करते हो उसे कर सकते हो। मतलब कंटिन्यूसली पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बीच बीच में थोड़े ब्रेक्स लेने चाहिए। एक बार आप जरा एक शॉर्ट मैसेज कोटा के मतलब ऑडियंस के लिए कि कोटा का एनवायरनमेंट कैसा क्या है पढ़ाई वगैरह के लिए। कोटा का एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है और यहाँ टीचर्स लोकल्स तो है ही, काफ़ी सपोर्टिव, यहाँ सब कुछ मिल भी जाता है। और एलन और उनका एलन की फैमिली और उनके टीचर्स से भी काफ़ी सपोर्ट मिला है इस पूरी जर्नी में। ओके, थैंक यू सो मच एंड मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू। एक सेकेंड सर।